ये हैं पांच कमाल के किचन टिप्स। खाना बनाते वक्त ज़रूर करें ट्राई। आमतौर पर किचन से जुड़े कई ऐसे काम होते हैं जो देखने में काफ़ी मुश्किल लगते हैं। यही नहीं, इन्हें करते वक्त डर भी लगता है कि कहीं ये डिश के साथ स्वाद को भी खराब ना कर दें। हालांकि इन दिनों कई ऐसी टिप्स हैं जिसकी मदद से मुश्किल काम को चुटकियों में किया जा सकता है। यही नहीं, इन टिप्स की मदद से आप अपने पकवान के स्वाद को और भी बढ़ा सकती हैं। अगर आप भी अपनी कुकिंग स्किल को बढ़ाने के लिए हर दिन नए नए एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हैं तो आज हम कुछ ऐसी ही पांच किचन टिप्स लेकर आए हैं जो आपके बेहद काम आएंगी। कुकिंग से लेकर चॉपिंग तक में ये किचन टिप्स आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। ये किचन टिप्स आपकी रोज़ाना होने वाली कई समस्याओं का समाधान करेगा। तो चलिए जानते हैं इन किचन टिप्स के बारे में कि आपके ये कितने मदद आ सकती हैं। पहला, बर्गर सॉस बनाने का सिंपल तरीका। बर्गर सॉस आप घर पर भी बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए 2 चम्मच मेयोनीज, 1 चम्मच टमाटो केचप, 1/2 चम्मच रेड चिली सॉस, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच सॉल्ट मिक्स कर दें। आप चाहें तो इसमें लहसुन पाउडर भी मिक्स कर सकती हैं। अब इसे बर्गर सॉस या फिर डिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा, झटपट बनाए सब्जी के लिए पेस्ट। सब्जी बनाने के लिए हम अक्सर अदरक और लहसुन का पेस्ट तो बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप कद्दूकस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो कद्दूकस से टमाटर, प्याज या फिर अन्य सब्जियों का भी पेस्ट बना सकती हैं। यह पेस्ट बनाने का तरीका काफ़ी कॉमन है, लेकिन यह काफ़ी समय भी बचाता है। पतली या मोटी किसी भी कद्दूकस का इस्तेमाल कर आप पेस्ट बना सकती हैं। तीसरा, गुड़ की चाय बनाते वक्त ट्राई करें ये ट्रिक्स। गुड़ की चाय बनाते वक्त जब दूध डालते हैं तो वह फट जाता है। ऐसे में गुड़ को सबसे आखिर में डालें। इसके लिए सबसे पहले चाय पत्ती और अदरक डालकर चाय को अच्छे से उबाल लें, फिर दूध डालें। जब यह तीनों चीज़ अच्छी तरह उबल जाए तो गैस बंद कर दें और फिर गुड़ का पाउडर डालें। गर्म पैन को 2 से 3 बार हिलाएं, फिर इसे कप से छान लें। इससे दूध कभी नहीं फटेगा। आप चाहें तो चाय छानने से पहले कप में भी गुड़ डाल सकती हैं। चौथा, ऐसे बनाएं पोटैटो बॉल्स। जब आप पोटैटो बॉल्स या फिर चीज़ बॉल बना रही हैं तो उसे डबल कोट करें। ब्रेड का पाउडर या फिर मैदे से इसे कोट कर रही हैं तो 2 बार कोट करें। ऐसा करने से जब इसे आप तेल में तलेंगी तो यह टूटेगा नहीं। वहीं जब आप इसे तेल में फ्राई करें तो गैस का फ्लेम हाई रखें। अक्सर महिलाएं बताती हैं कि पोटैटो बॉल्स तेल के अंदर जाते ही फट जाता है, लेकिन जब आप इसे डबल कोट कर देंगी तो ये समस्या नहीं आएगी। पांचवा, पीनट बटर बनाने का आसान तरीका। घर पर जब आप पीनट बटर बना रही हैं तो मिक्सर में मूंगफली के साथ 1/4 चम्मच नमक का इस्तेमाल करें। मूंगफली को रोस्ट करने के बाद उसके छिलके को निकाल दें और मिक्सर में डाल दें। इसके साथ नमक का इस्तेमाल करें। कई बार मिक्सर की गर्माहट के कारण मूंगफली पिसते वक्त तेल रिलीज करने लगती है।
ऐसे में जब आप मूंगफली पीस रही हो तो उसे एक या दो बार खोलकर चक और चम्मच की मदद से मिक्स कर दें, फिर वापस से इसे पीस लें। इससे झटपट पीनट बटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं किसी नए टिप्स के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।